अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दाल पालक बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही इजी है। तो इसके लिए मैंने छिलकों वाली मूंग की दाल ली है 1 कप और 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने चने की दाल ली है। 1 गड्डी जो है मेरे पास पालक की है बारीक कटी हुई, 3 से 4 जवे जो हैं लहसुन के हैं, कटी हुई हरी मिर्चें हैं 2 से 3 और हैं टमाटर 1 बड़ा। दाल को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक हांडी ले ली है क्योंकि हांडी में जो है ये बहुत ज़्यादा मज़ा देगी, इसलिए मैं ये हांडी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने इस हांडी को गर्म कर लिया था अच्छे से और इसके अंदर अब मैंने यहाँ पे पानी शामिल कर लिया है 1 जग भर के। तो इसी के साथ जो हूँ मैं मूंग की दाल जो है वो शामिल कर दूँगी। और इसी के साथ हमने बारीक कटा हुआ जो हमारा पालक था वो शामिल कर देना है, चने की दाल जो है वो भी शामिल कर देंगे। हाँ, हमने चने की दाल जो है वो भी शामिल कर दी है। इसी के साथ जो है वो टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च बारीक कटी हुई जो हैं वो भी मैं इसके साथ ही शामिल कर दूंगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल कर दी हैं। इसके साथ हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच जो हूँ मैं शामिल कर रही हूँ और इसी के साथ कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं 1/2 चाय का चम्मच वो भी मैं शामिल कर दूँगी और नमक डालेंगे इसमें हसबे ज़ौक और नमक डालने के बाद इसको अच्छे से हम हिला लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने लो मीडियम आंच पे इसको ढक के जो है वो पकाना है और 15 मिनट के लिए इसको इस तरह से ढक के हम छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद इसकी ये शक्ल आ जाएगी। हमने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ना है और इस तरह से इसको हम इस तरह से हिलाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसमें अभी काफ़ी कसर है तो हम इसको मज़ीद जो है हल्की आंच पे इतनी पकाने के लिए 10 मिनट के लिए और रख देंगे। इतनी ही आँच पे हमने इसको मज़ीद जो है वो पकाते रहना है। 10 मिनट के बाद जो है इसकी ये शक्ल आ गई है तो इसमें और बॉयल आ रहे हैं तो इसको हम मिलाते जाएंगे, गोटा लगाते जाएंगे और इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। 15 मिनट के लिए इसको मज़ीद हम छोड़ देंगे हल्की आँच पर। 15 मिनट के बाद जो है हम इसमें इमली का रस जो है वो शामिल कर देंगे और इसको हम इस तरह से मिलाते रहेंगे। इसे मिलाने के बाद इसको ढक के हमने दम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तरफ आ जाते हैं तो यहाँ हमने घी ले लिया है तकरीबन 3 बड़े चमचे और खाने के और यहाँ पे मैं इसको मेल्ट कर लूँगी। इसी के साथ जो है मैं कटा हुआ लहसुन 2 बड़े मेरे पास जवे थे इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया तो इस तरह से हमने वो ये शामिल कर दिया और हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई करना है। और तो इसी के साथ हमने ज़ीरा शामिल करना है और साबुत लाल मिर्चें, या मैंने लंबी वाली भी डाली हैं और गोल वाली भी डाली हैं। तो इस तमाम हमने तड़के को दाल के ऊपर लगा दिया। इसी के साथ हम जो है वो हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और जो है गरम मसाला जो है हरा धनिया के साथ हम डाल के इसमें जो है वो गार्निशिंग कर लेंगे और थोड़ा सा हमने 1 चाय का चम्मच जो है वो मक्खन का शामिल कर दिया। तो ये दाल हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आई होप कि आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी जो है वो अच्छी लगे। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।